Hello friends, in the last class we have discussed about the image formation by a spherical mirror. हमने अलग अलग तरह की images, एक concave mirror और एक convex mirror किस तरह से form करता है, इस चीज को discuss किया था. Then उसके uses discuss किए थे. Now, अब हमने ये तो समझ लिया कि एक spherical mirror image किस तरह से बनाता है. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैंने object को कहीं पर रखा तो एग्जैक्टली इमेज कहाँ पे बनेगी, मतलब इमेज की दूरी को मैं जानना चाहता हूँ, जिसे हम कह सकते हैं इमेज डिस्टेंस. सो इसको निकालने के लिए, ये जानने के लिए कि एक इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनती है, हम यूज़ करेंगे ज्योमेट्री. मैथ्स में ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं, उस ज्योमेट्री की मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं कुछ दूरी पर रखता हूँ किसी मिरर से, तो एग्जैक्टली उसकी इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी. नाउ ये जानने के लिए सबसे पहले हमें एक कन्वेंशन डिस्कस करना होगा. कन्वेंशन मींस एक रूल. जैसा कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने एक कन्वेंशन डिस्कस किया है, कार्टेशियन सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा है. कार्टेशियन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं. एक ऐसी वर्टिकल होती है और एक ऐसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है. इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर ये जो पॉइंट है जहां पे वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों आके मीट होती हैं, इसे हम कहते हैं ओ, दैट इज ओरिजिन. ऐसा हमने पढ़ा है. और इस ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड जाता हूं, राइट साइड मींस इस तरफ, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं तो हम कहेंगे कि हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड जाएंगे. अगर मैं पीछे की तरफ खड़ा हूं तो हम कहेंगे राइट साइड. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, सो आई कैन सी कि ओरिजिन से राइट लेफ्ट साइड, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मैं जाता हूं तो हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. मतलब अगर मैं ओरिजिन पे इस तरह से खड़ा हूं तो अगर मैं ऐसा मूव करूं, सो आई विल से कि मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं. सिमिलरली अगर मैं इस तरफ मूव करूं तो मींस ओरिजिन के इस तरफ, वी विल से इट इज निगेटिव डायरेक्शन. निगेटिव डायरेक्शन. और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बनाई है, इसे हम एक्सिस कहते हैं. इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस. सो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स डैश, दैट इज माइनस एक्स, निगेटिव. सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर की तरफ अगर आप जाओ तो क्या कहेंगे, ओरिजिन से ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. दिस इज वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई एक्सिस, इसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं. दिस इज ऊपर की तरफ वाई और नीचे की तरफ वाई डैश मीन्स निगेटिव. सो ओरिजिन से ऊपर जब भी आप जाएंगे तो हम कहते हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओरिजिन से जब नीचे जाएंगे सो वी विल से कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. ऐसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि कार्टेशियन सिस्टम होता है, हम फिर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं. बट अभी कोऑर्डिनेट्स की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या फॉलो होता है. दिस इज द साइन कन्वेंशन. जब आप इधर रहेंगे तो हम कहेंगे हम पॉजिटिव में हैं, जब हम इधर रहेंगे तो हम कहेंगे नेगेटिव में हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन से इस ए पोजीशन पे लाया करता है जो कि कुछ 2 मीटर की दूरी पे है. हमने ऐसा मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिन से इस ए पोजीशन पे लाया करता है जो कि 2 मीटर की दूरी पे है. तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कॉमा वाई. एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स का कितना डिस्टेंस है, सो वी विल से इट इज 2 कॉमा वाई मीन्स जो इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ कितना है. तो हम देख सकते हैं ओरिजिन पे ही है, सॉरी एक्स एक्सिस पे ही है, एक्स एक्सिस पे ही है, इसीलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा. सो वी विल से दिस पॉइंट इज 2 कॉमा 0. अब सिमिलरली
जैसा हमने ओरिजिन से 2 मीटर की दूरी पे ये पॉइंट लिया, उसी तरह से 2 मीटर की दूरी पे मैं यहां से यहां पे भी एक पॉइंट मान सकता हूं। लेट्स से उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी, जो कि अगेन ओरिजिन से 2 मीटर्स की दूरी पे लाया करता है, क्योंकि ये निगेटिव डायरेक्शन में लाया करता है। ऐसा हमने कन्वेंशन बनाया कि इधर पे जो भी होगा उसे हम निगेटिव कहेंगे। सो इट मींस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो होंगे -2, 0। हैं दोनों ही 2 मीटर्स की दूरी पे, लेकिन फिर भी बी कोऑर्डिनेट जो हुआ वो -2 हो गया और ए जो हुआ वो +2 हो गया। ऐसा हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। बिल्कुल इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम मिरर के लिए भी एक साइन कन्वेंशन बनाएंगे, बिल्कुल इसी को यूज करके, और उसे हम कहेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर मिरर। मिरर के लिए एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे। इसी कन्वेंशन पे चलते हुए हमें मिरर के फॉर्मूलेस डिराइव करने हैं। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम अगेन जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कार्टेशियन सिस्टम हमने पढ़ा है, उसी में जैसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, बिल्कुल यहां पे भी हम वैसा ही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेम। तो कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हमने ड्रॉ किया। दिस इज एक्स, दिस इज -x, दिस इज वाई, दिस इज -y। नाउ अब हमने जितने भी इमेज फॉर्मेशंस देखे थे उन सभी में हमने ये माना था कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा है। हम मिरर को कुछ इस तरह से रखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखें और उसकी इमेज राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में ही फॉर्म हो, लेकिन जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इट शुड ऑलवेज बी इन द लेफ्ट साइड, ऐसा हमने माना था। आप कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें ये अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और कॉनकेव मिरर में कुछ इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं जिसमें ये वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो कोई सा भी हम ले सकते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ये कॉनकेव मिरर बिल्कुल सेम है, बस इसे घुमा दिया, लेकिन हम क्या मानेंगे, हम सिर्फ इस तरह से कॉनकेव मिरर को रखेंगे, कभी भी इस तरह से नहीं रखेंगे। क्यों? बिकॉज इट इज कन्वेंशन, हम ऐसा कन्वेंशन मान के चलेंगे कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी हमेशा लेफ्ट साइड में ही होगी। सो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर में हमें ये मानना है कि जो कॉनकेव मिरर ये है, इसमें एक पोल होगा, इस कॉनकेव मिरर का पोल ओरिजिन पे लाए करता है, ऐसा हमें मानना है, ऐसा हमें अज्यूम करना है। सो लेट अस ड्रॉ द मिरर। तो कुछ इस तरह से हमने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया जिसका पोल हमने ओरिजिन पे रखा। सो दिस इज द पोल फॉर दिस मिरर, इस मिरर का ये पोल है, इस पोल को हमने ओरिजिन पे रखा इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। नाउ अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट किधर मानना है,
अब जैसे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस डायरेक्शन में है, इस तरफ. सो इट मींस ऑब्जेक्ट भी कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट भी कहीं इस डायरेक्शन में ही होगा. लेट से कहीं यहां पे हम ऑब्जेक्ट को रख देते हैं. एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया ए बी, ऐसा हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया. अब हम देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस इज दिस वन, जो एक्स एक्सेस है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस की तरह बिहेव करेगी. हम मान लेते हैं कि कहीं यहां पे इस कॉनकेव मिरर का फोकस लाया करता है, और सिमिलरली कुछ इतनी ही दूरी पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लाया करता है. सी, अब हमने ये पढ़ा था कि फोकस के लिए, फोकस और पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं. फोकल लेंथ हमेशा हम पोल से नापते हैं. ऐसा कन्वेंशन आपको मानना है कि सारी लेंथ जो भी हम नापेंगे वो हमेशा पोल से नापी जाएगी. पोल को हम ओरिजिन मानेंगे, जैसा हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करते हैं एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके. ओके, सो यहां पे भी अगर मुझे बताना है कि दिस इज फोकस, सो हम देख सकते हैं फोकस जो लाए कर रहा है वो ओरिजिन से राइट साइड में लाए कर रहा है इस तरफ, सॉरी लेफ्ट साइड में लाए कर रहा है इस तरफ. सो हम कहेंगे कि फोकस का जो पोल से डिस्टेंस है दैट विल ऑल्सो बी निगेटिव. वाई इट इज सो? दिस इज ओरिजिन, दिस इज पोल. पोल से हम फोकस पे जाने के लिए किस तरफ चल रहे हैं? हम फोकस पे जाने के लिए पोल से लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो वी विल से कि इस मिरर के लिए हमें ऐसा कन्वेंशन मानना है कि डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट इज ऑलवेज निगेटिव. जब भी हम इस मिरर के पोल से निगेटिव साइड, जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हम मानेंगे कि डायरेक्शन निगेटिव है. इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे सो वी विल से डायरेक्शन इज डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव. डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट को हमने निगेटिव माना, डायरेक्शन टूवर्ड्स राइट को हमने पॉजिटिव माना. नाउ अब आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. जैसा हमने कहा फोकस यहां पे था, सो दिस वॉज द फोकल लेंथ, यह हमारी फोकल लेंथ थी. सिमिलरली अगर मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करूं, सो वी कैन सी दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी योर रेडियस ऑफ कर्वेचर. लेट अस मार्क रेडियस ऑफ कर्वेचर एज आर. हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से मार्क कर दिया. सो हमने ये आर कहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ कहा फोकल लेंथ. अगर मैं इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ का साइन बताना चाहूं कि इसका साइन क्या होगा, क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, क्या फोकल लेंथ निगेटिव होगी, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम देख लेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में फोकल लेंथ लाया कर रही है. फोकस पे जाने के लिए हमें पोल से किस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है. सो वी कैन सी कि पोल से हमें फोकस पे जाने के लिए निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है, तब जाके फोकस आता है. सो वी विल से फॉर कॉनकेव मिरर, सो वी विल राइट हियर फॉर कॉनकेव मिरर नंबर वन फोकल लेंथ इज निगेटिव. ओके, वी विल राइट फोकल लेंथ इज निगेटिव. फोकल लेंथ निगेटिव क्यों लिखी? क्योंकि हमें ये दिख रहा है कि पोल से मुझे लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना पड़ रहा है फोकस पे जाने के लिए. सो वी कैन सी कि हाँ, देन सिमिलरली व्हाट अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्या हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन पता कर सकते हैं? यस, कैसे पता करेंगे? अगेन द सेम मेथड,
हम ये देखेंगे कि पोल से मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचना है तो. सो यू कैन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचने के लिए आपको यहां से इस तरफ मूव करना पड़ेगा, मींस इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो लेफ्ट डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, सो लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव होता है. सो वी विल से कि फॉर अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑल्सो बी निगेटिव. रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑल्सो बी निगेटिव. नाउ सिमिलरली वॉट, सिमिलरली हमने देखा कि बी जो पॉइंट है, बी पॉइंट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, द बॉटम ऑफ ऑब्जेक्ट विच लाय ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. बी क्या है? बी वह पॉइंट है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट का बॉटम, ऑब्जेक्ट का सबसे नीचे वाला पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा एक पेन रख दूं यहां पे, तो बी पॉइंट इस पेन का बॉटम है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है. सो हम देख सकते हैं बी और पी के बीच में कुछ दूरी है. पी इज द पोल, बी इज द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी will be known as object distance. हमें इससे मतलब नहीं है कि object की height कितनी ज्यादा है, object कितना tilted रखा हुआ है. अगर ये pen ऐसा रखा हुआ है, या ये pen ऐसा रखा है, या ये pen ऐसा रखा है, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस object का bottom principal axis पे कहाँ पे lie करता है. So we can see it is lying on B. So distance between pole and B will give you the object distance, मतलब object की दूरी. सो ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यू, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यू. जैसा हमने फोकल लेंथ को एफ से डिनोट किया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट किया था, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट की दूरी जो मिरर से है, उसे हम यू से डिनोट करेंगे. So, क्या हम यहां पे पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसका साइन क्या होगा, उसका साइन किधर होगा? यस, वी कैन सी दिस. व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए मुझे इस पोल से किस डायरेक्शन में मूव करना है. क्या हम ये देख सकते हैं किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है? ऑब्वियसली हमें पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तब हम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं. सो वी विल से कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी निगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज निगेटिव. नाउ व्हाट? नाउ अब अगर इस ऑब्जेक्ट की कोई इमेज फॉर्म होती है, इमेज किधर फॉर्म हो सकती है? इमेज लेट से यहां फॉर्म हो सकती है या फिर इधर कहीं पे फॉर्म हो सकती है. हम मान लेते हैं कि इमेज समवेयर हेयर, इमेज कुछ इस तरह से यहां पे फॉर्म होती है. सो दिस इज लेट से ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश रिप्रेजेंट्स योर इमेज, ये हमारी इमेज है. नाउ जैसा हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापा, कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट के बॉटम तक, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे लाया करता है. उसी तरह से पोल से इस इमेज का डिस्टेंस भी हम नाप सकते हैं. जैसा हमने पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को हमने यू से डिनोट किया, इसी तरह से पोल से इस इमेज के डिस्टेंस को हम कहेंगे इमेज डिस्टेंस. सो वी विल से नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं वी से. इमेज डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय वी. So, क्या हम इमेज का कन्वेंशन निकाल सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ऑब्वियसली अगेन द सेम मेथड, आप पोल पे खड़े होके ये देखिए कि हमें इमेज पे जाने के लिए किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. सो वी कैन सी कि अगर हम पोल पे खड़े हैं कुछ इस तरह से, सो हमें इस ऑब्जेक्ट पे, सॉरी इस इमेज पे जाने के लिए कुछ इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, दैट इज इन राइट डायरेक्शन. सो राइट डायरेक्शन में क्या होता है? जैसा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में था, पॉजिटिव. सो वी विल से कि यहां पे इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो होगी पॉजिटिव.
we will say ki image distance is positive. Now अगेन हमने ये देखा था कि एक कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन पे से इमेज की अलग अलग पोजीशन डिफाइन होती है. अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो आपकी जो इमेज फॉर्म होती है वह एक वर्चुअल इमेज होती है और वर्चुअल इमेज कुछ इस तरह फॉर्म होती है. अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे कहीं पे भी रखेंगे तो इमेज हमेशा एक रियल इमेज फॉर्म होती है. ऐसा हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था. अगर याद नहीं हो आपको तो प्लीज एक बार उस लेक्चर को दोबारा देखें. सो यू कैन सी दिस कि हम अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से पीछे रखेंगे तो इमेज भी हमेशा इसी तरफ बनेगी, इन दिस डायरेक्शन. लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे सो इमेज आपकी पोल के पीछे बनेगी, कुछ इस तरफ, मिरर के जस्ट पीछे, और वह एक वर्चुअल इमेज होगी. सो वी विल से कि इफ इफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू f, f इज द फोकल लेंथ. सो अगर आपके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकस पे, फोकल लेंथ जितना या उसके पीछे है, मींस उससे ज्यादा है, सो वी विल से कि v विल बी नेगेटिव. सो अगर ऑब्जेक्ट फोकस या फोकस से पीछे रखा होगा सो आपका इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा. व्हाई सो? बिकॉज अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा या फोकस के पीछे कहीं पे भी रखा, हमारी इमेज हमेशा इसी डायरेक्शन में फॉर्म होती है. अगर आप ध्यान से सभी इमेज फॉर्मेशंस को देखेंगे सो यू कैन सी दिस. तो अगर इमेज यहां पे कहीं फॉर्म होगी सो इट मींस, लेट्स से इमेज अगर मेरी यहां पे फॉर्म होती है लाइक दिस, सो वी विल से कि अगर मुझे इस इमेज का डिस्टेंस निकालना है सो हम पोल से इस डायरेक्शन में, दैट इज लेफ्ट डायरेक्शन में हम पोल से मूव करेंगे, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट डायरेक्शन निगेटिव होती है, इसीलिए इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव है. सो इमेज डिस्टेंस इस केस में निगेटिव. अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, सो फोकस और पोल के बीच में रखने पे हमने ये देखा था कि जो इमेज फॉर्म होती है वह मिरर के पीछे फॉर्म होती है. पीछे मीन्स यहां पे, जहां पे ये ए डैश बी डैश हमने बनाई है. सो अगर इमेज इस तरफ फॉर्म होगी सो क्या होगा? सो इमेज डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. सो आई विल से कि इफ यू इज लेस देन एफ, लेस देन एफ मीन्स जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वह फोकल लेंथ से कम है. आपका ये फोकल लेंथ है, इससे कम है, मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं इस रेंज में लाए कर रहा है F और P के बीच में. सो अगर ऑब्जेक्ट F और P के बीच में लाए करेगा सो हमारी इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होगी एंड वी विल से कि इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव. सो हम कहेंगे कि इमेज का जो दूरी है, इमेज की जो डिस्टेंस है वह हमेशा पॉजिटिव होगी. सो दिस इज अ कन्वेंशन फॉर मिरर. सो दिस इज फॉर कॉनकेव मिरर. सिमिलरली हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा.
सो कुछ कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से रखा हुआ होगा. कॉन्वेक्स मिरर में हम देख सकते हैं कि दिस इज पोल. अगेन पोल इज कोइंसाइडिंग विद द ओरिजिन. जो आपका एक्स और वाई एक्सिस का ओरिजिन है उस पर कोइंसाइड कर रहा है. दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज माइनस एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई एंड दिस इज माइनस वाई, नेगेटिव डायरेक्शन. सो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे हमने देखा कि पोल पे खड़े होके देखिए कि आपको किस तरफ चलना है, किस पे जाने के लिए जो पॉइंट हमें चाहिए. अगर यहाँ पे भी हम फोकल लेंथ का कन्वेंशन निकालना चाहते हैं, सो सबसे पहले देख लेते हैं फोकल लेंथ कौन सी है. दिस इज योर फोकल लेंथ, दिस इज योर फोकल लेंथ. एग्जैक्टली यही कन्वेंशन यहां पे भी फॉलो होगा. सो आई विल से कि दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव एंड सिमिलरली टुवर्ड्स लेफ्ट इज नेगेटिव. टुवर्ड्स लेफ्ट अगर हम जाएंगे सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव. सो यहां पे हम देख सकते हैं अगर मैं पोल पे खड़ा हूं और मुझे फोकस पे जाना है, सो फोकस किस तरफ लाई कर रहा है, फोकस इस तरफ लाई करेगा. सो इट मींस यहां से मुझे इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है. अगर मैं इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं सो दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो आई विल से कि पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने से मैं फोकस पे पहुंचूंगा, इसलिए जो फोकल लेंथ होगी वह भी पॉजिटिव मानी जाएगी. सो आई विल से फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर नंबर वन पॉइंट इज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. फोकल लेंथ इज पॉजिटिव. सिमिलरली अगर मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज माय रेडियस ऑफ कर्वेचर. अगर मुझे ये निकालना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कन्वेंशन क्या है, सो आई कैन सी अगेन हम पोल पे खड़े होके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मूव करेंगे. किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन. सो इट मींस वी विल से कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव. रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो पॉजिटिव. नाउ जैसा ऑब्जेक्ट की हमने बात की थी, ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे. इस तरह से अगर हम देखें सो दिस इज द लेफ्ट साइड में ही रखेंगे. सो इन केस, इन दिस केस ऑल्सो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे. वाई सो? बिकॉज दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जो भी रिफ्लेक्शन होना है वो इस सरफेस से होना है. सो अगर ऑब्जेक्ट को यहां पे आपने रखा इस डायरेक्शन में तो लाइट जो भी होगी वो इधर टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगी. ओके सो इसलिए हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखेंगे. यहां पे रखने से लाइट इस पे टकराएगी एंड वी विल सी द इमेज. सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से इस डायरेक्शन में ही लाई कर रहा है, लेट से कहीं यहां पे ए बी, सो अगेन वी विल से कि पोल से इस बार आपको निगेटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा ताकि आप इस ऑब्जेक्ट तक पहुंच पाओ. सो वी विल सी कि इस केस में भी यू दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. हमने यहां पे देखा था दिस वन, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे भी क्या होगा? निगेटिव. यहां पे भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव. नाउ याद कीजिए, अब हमने कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा था. उस इमेज फॉर्मेशन में हमने ये देखा था कि आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ में कहीं पे भी रख दे, किसी भी पोजीशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज हमेशा इस तरफ ही फॉर्म होगी. दैट इज एक वर्चुअल इमेज हमेशा फॉर्म होगी. सो आई विल से कि जो भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी वह कुछ इस डायरेक्शन में ही होगी. लेट से कुछ ऐसी, समथिंग लाइक दिस. वी विल से दिस इज ए डैश बी डैश, ऐसा कुछ. सो अगर मुझे इमेज तक पहुंचना है सो मुझे पोल से राइट डायरेक्शन में चलना होगा, मींस पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो इट मींस हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखें आप,
इस केस में इमेज का जो डिस्टेंस है वह हमेशा हमेशा पॉजिटिव ही कहलाएगा। हम कहेंगे कि इमेज हमेशा पॉजिटिव होती है। ओके, सो दीज आर द फोर बेसिक कन्वेंशंस। जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा और उसकी पोजीशन को जानने की कोशिश करी। नाउ अब जैसा आपने ओरिजिन से इधर गए तो पॉजिटिव, इधर गए तो निगेटिव, इसी तरह से ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे निगेटिव। सो बिल्कुल यही का यही कन्वेंशन हम यहां पे भी लिख सकते हैं। वी विल से अपवर्ड इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड इज निगेटिव। सेम कन्वेंशन यहां पे भी, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। दिस इज द कन्वेंशन जो आपको फॉलो करना है। ओके, सो हमने ये सीखा कि अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है तो उसकी इमेज कहां पे फॉर्म हो रही है, किस तरह से फॉर्म हो रही है। अगर उसका इमेज की दूरी मुझे निकालनी है या फोकल लेंथ निकालनी है मिरर की या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो उसके लिए हमें एक साइन कन्वेंशन ये वाला फॉलो करना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर में इस तरह से होगा, कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये देख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में हमेशा फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर में आप देख सकते हैं फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें सो ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, इट मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, एंड यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, ऐसा हमने देखा। बस डिफरेंस आता है तो यहां पे कि कॉनकेव मिरर में कभी रियल इमेज फॉर्म होती है, कभी वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस के पीछे रखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा रियल इमेज फॉर्म होती है जो कि उल्टी साइड होती है, इन्वर्टेड होती है। और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस के आगे रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, सो वी विल सी कि यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो फोकस से फोकल लेंथ से ज्यादा है सो इसीलिए इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि इमेज इस डायरेक्शन में फॉर्म होगी। और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम है सो इमेज का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। बट यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव होगा। आपको ऐसा मान के चलना है कि अगर एक कॉन्वेक्स मिरर है सो इमेज का डिस्टेंस आप हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे। ओके, यू कैन नोट दिस।